और अब मैं पीने जा रही हूँ पानी, तो गर्म पानी में सुबह पीती हूँ। वो ये लीजिए, आप भी मेरे साथ पीजिए थोड़ा सा। चाहे तो मैं पीती रही तो मैं आपको पानी ऑफर कर दे रही हूँ। और बस फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन, सब जो भी काम करना है घर का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रस्म लाइफस्टाइल। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। ये मैं जा रही हूँ चिकन मैरिनेट करने के लिए। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मिर्च डालूँगी और 1 पिंच घर का गरम मसाला डाल रही हूँ। इसकी गरम मसाले की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये सब सामान मैरिनेशन के लिए है। और अब इसमें इसको अच्छे से मिला के इसमें थोड़ा सा रंग डाल दे रही हूँ, ऑरेंज कलर खाने वाला, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें थोड़ा सा दही मिलाऊँगी, दही ऑप्शनल है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं मिलाया जाता है इसमें। मैंने 1.5 टीस्पून दही मिलाया है इसमें और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अब जो मसाला इसके लिए चाहिए होगा ग्रेवी के लिए, उसके लिए 2 मीडियम आड़ी प्याज ली हूँ, 5 टमाटर लिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है और ये लाल मिर्च ली हैं, और काजू लिए हैं 20, और ग्रीन इलायची ली हैं 2, और थोड़ी सी लौंग ली हैं, तकरीबन 3 लौंग ले लीजिए, और 1 बड़ी इलायची, और थोड़ा सा काली मिर्च, और 2 चुटकी शाहजीरा। शाहजीरा ना हो तो ज़ीरा स्किप कर दीजिएगा। और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी बलाई, फ्रेश क्रीम हो तो ले लीजिएगा, मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी तो मैंने बलाई ले ली। अब ये टमाटर और प्याज को रख दी, बस फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऐसे स्लिट्स लगा के बड़ा बड़ा कट कर लूँगी। अच्छा, ये सिनेमन स्टिक मैं भूल गई थी, ये थोड़ी सी ये सिनेमन स्टिक भी ली है। और अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून ऑयल बस। अब इसमें जैसे ही ऑयल हो जाएगा सबसे पहले मिर्च डालूँगी, मिर्च को थोड़ा अच्छे से तल लूँगी इसमें, और फिर प्याज डाली है। प्याज के थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होते ही सारा मसाला इसमें डाल दिया है। और अब इसमें काजू डाल दे रही हूँ, सबको मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा इसमें सारे टमाटर डाल दूँगी, और फिर एक बार मिक्स करके फिर इसमें 1/2 टीस्पून के तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। और इसको बस टमाटर के गलने तक इस मसाले को पकाया जाएगा, तो टमाटर अच्छे से गल जाए इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून ही इसमें नमक डाल दिया। अब इसमें ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, और सबको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर ढक के पका लूँगी ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। नमक डालने से टमाटर थोड़ा और जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, और बस टमाटर के सॉफ्ट होने तक ये पके, तो ढक के पका रही हूँ मैं। बीच में चेक कर लूँगी एक बार कि टमाटर गलें कि नहीं गलें, अभी मेरे ये टमाटर गले नहीं है तो मैं इनको थोड़ी देर और ढक के पकाऊंगी, और उसके बाद इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया जाएगा। अब ये देखिए ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ी देर मैं इसको ऐसी छन्नी से ढक के रख दे रही हूँ, ठंडा हो गया है। अब मैं एक जार में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना ले रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बन गया, क्योंकि इसकी ग्रेवी हमको बहुत ही स्मूथ चाहिए होती है, तो थोड़ा अच्छे से पीसना होता है इसके मसाले को। अच्छा, क्योंकि मेरे जार में एक बार में सारा मसाला नहीं आ पाया था, तो मैं और मसाला लेके दोबारा जो बचा हुआ है वो भी पीस ले रही हूँ, और सारा मसाला निकाल लूँगी। फिर मैंने मिक्सी के जार में भी थोड़ा सा पानी डाल लिया था और ये अब सारा मसाला निकाल। गरम तेल में ये सारा चिकन डाल के मैं फ्राई कर लूँगी, चिकन डाल के, और अच्छे से पहले एक तरफ से फ्राई करूँगी, और जब उस पर मांस आने लगेंगे तब उस तरफ से फ्राई करूँगी। और चिकन को कोशिश करूँगी कि लेयर ना हो, तब अलग अलग पीसेस सारे रखूँगी ताकि सारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए।
फ्राई होंगे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए चिकन फ्राई हो गया है, तो मैंने उसको साइड में कर लिया है। अब ऑयल में डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर जो मसाला पीसा था काजू और प्याज और टमाटर वाला, वो सारा मसाला इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी चिकन के साथ मिला के। और थोड़ा चला चला के भूनना होता है क्योंकि ये मसाले में काजू भी हैं, तो काजू जल्दी लगने लगते हैं। बस चला चला के उसको भूनते रहेंगे। और जिस बोल में मैंने मसाला निकाला था उसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के डाल लिया है इसी में। और अब इसको अच्छे से चला के थोड़ी देर भून लूँगी। आप इसमें थोड़ी सी शुगर डालिए टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। आप चाहें तो सॉस भी डाल लीजिएगा, लेकिन मुझे सॉस का टेस्ट इस चिकन में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं शुगर ही डालती हूँ। और अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। हर 3 से 4 मिनट पे चेक करती रहूँगी कि ये लग तो नहीं रहा है। ये खोल के देखा है मैंने, चला लूँगी। अभी इसको थोड़ा सा और भुनाई होनी है, तो बस मैं इसको थोड़ी देर चला के और फिर ढक के रख दूँगी पकने के लिए। से अच्छे से चला रही है और अब भुनाई हो गई है चिकन की पूरी तरह से। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ बलाई। बलाई को मैंने पहले मिक्सी में चला लिया है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर डाल रही हूँ। और बलाई को अच्छे से मिक्स करके बस थोड़ी देर इसको पकाऊंगी कि ऑयल निकल आए इसका सब। देखिए चिकन डन। इसके साथ मैंने बनाई थी बटर नान और जीरा राइस, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अब इसमें क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा बटर ऊपर से डाल दे रही हूँ। और थोड़ा बटर जब मैं सर्व करूँगी तब डालूँगी। अब मैं डिश आउट कर ले रही हूँ चिकन को। इसको भी ऊपर से बलाई थोड़ी बचा ली थी उससे, और धनिया पत्ती से गार्निश कर लूँगी। और अब हम अपना मील एंजॉय करेंगे। कल फिर मिलेंगे रेसिपी के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।